हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जितनी भी मुझसे छोटी मोटी वीडियो क्लिप शूट हो पा रही है उतना मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मेरे पास कमेंट आया था कि मायके में आके तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, तबीयत तो ठीक हो गई है, पर घर पे ना कुछ काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। जब वो काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या है, किस वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है कि घर पे कोई नहीं रहता और मुझे सब कुछ उस मैनेज करना पड़ रहा है। तो वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में जल्द ही पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं यहाँ पर बता सकती हूँ। तो बस यहाँ प्रेस वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं, शाम की क्लिपिंग है तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ। घर पर कोई भी नहीं है तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगी और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो खाना बना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और भले चंगे होंगे और हम भी अच्छे हैं। फ्रिज में से ना आटा निकाल रही थी मम्मी, आटा लगा के गए हैं। टाइम मैं बता देती हूँ आपको, 5 बज रहे हैं और आलू की स्टफिंग वगैरह सब बना के गई हैं मम्मी। शाम के 5 बज रहे हैं और आप सोच रहे हो दीवार काली क्यों हो रही है, तो इधर धूप बत्ती रखती है मम्मी जिस वजह से काली हो गई है। तो अब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे आलू की। एक्चुअल में घर के सभी सदस्य गए हैं मेरी सिस्टर से मिलने के लिए, तो फिलहाल घर पे मैं अकेली हूँ। तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं खाना वगैरह बना लूँगी क्योंकि वो अभी दिल्ली आई हुई है। तो फिर सोचा मम्मी ने कहा कि चलो मिल के आ जाते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उससे मिले हुए भी। उसको छुट्टी नहीं मिलती है उसकी कभी, इधर की वो लगती नहीं है। तो इस बार उसकी फ़्लाइट इधर की थी तो आई हुई है, तो उससे मिलने के लिए ही गए हुए हैं सभी के सभी। मुझे भी बोल रहे थे, पर मैंने आपको बताया था ना मेरी नाभि की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं उसी प्रॉब्लम से जूझ रही, तो मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, तो मैं नहीं गई। अब बस खाना बनाती हूँ और फिर दूध वगैरह भी बॉयल करना है, बहुत सारे काम रह रहे हैं। और तो ही गाइस, मैंने कढ़ाई रख दी गर्म करने के लिए, ये रही चिलिंग और जो मम्मी बना के गई है। इसमें थोड़े से आलू मैंने अभी उबाल के और डाले, थोड़े मुझे कम लग रहे थे क्योंकि मम्मी ना मेरी बहन के लिए भी बना के लेके गई, स्पेशल उसी की डिमांड पे बनी है कचौड़ियाँ और आटा ये रहा। तो बस कढ़ाई गर्म हो जाती है तो करते हैं। और ना मेरे पास ट्राईपॉड या अभी फिलहाल घर पे कोई है नहीं जो मेरी रिकॉर्डिंग कर सके, तो यहाँ पे रख के बना रही हूँ। जितना भी मुझसे एडजस्ट हो पाएगा उतनी मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर जरूर करूंगी। तो अब भी आ जाइए गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी, साथ में है छाछ क्योंकि छाछ बनाए के मम्मी रखे गई है। तो मम्मी सारा सामान करके रेडी करके गई है, बस मुझे कचौड़ियाँ तलनी है, बाकी मुझे और कुछ नहीं करना है, दूध बॉइल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये करते हैं फटाफट से। तो अभी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए। तो मम्मी जो आटा लगा के गई थी ना वो रखे रखे ना थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, जिसकी वजह से ना कचौड़ियाँ फट रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही थी कचौड़ियाँ बनाने में, तो फिर मैंने पलोथन निकाली यानी सूखा आटा जो होता है वो निकाला, उससे मैंने जल्दी जल्दी कचौड़ियाँ बेल बेल के उससे तो मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी। अदरवाइज़ जैसे हम बिना पलोथन के बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फट रही थी कचौड़ियाँ। तो पहली एक दो कचौड़ी तो मैंने बिना पलोथन के ही बनाई थी, फिर मैंने पलोथन लगा के ही बनाई हैं। और फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी और यहाँ पे मम्मी ही रिकॉर्डिंग करेंगी ये भी आगे, क्योंकि मैंने कहा मम्मी आप कैमरा पकड़ लो मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तो भिंडी की सब्ज़ी हर किसी को आती होगी बनानी, और मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, हमारे घर में ज़्यादा मसाले खाते भी नहीं हैं, तो वही हल्दी लाल मिर्च नमक डालता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया है तेल के अंदर। जीरा डालने के बाद जब जीरा भुन जाएगा तो उसके बाद हमने प्याज चॉप करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे, और प्याज का जब कलर भुन अच्छे से चेंज हो जाएगा तो जो हल्दी लाल मिर्च और नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तीखा जितना पसंद है उतनी लाल मिर्च, नमक अपने स्वाद अनुसार। तो ये डालने के बाद उसके बाद मैं भिंडी डाल दूंगी और भिंडी डालने के बाद अच्छे से इसको पकने दूंगी और मैं बिना ढके पकाऊंगी। पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालने की आवश्यकता होती भिंडी सब्जी में, मैं तो नहीं डालती, कई लोग होते हैं जो पानी ऐड करते हैं पर मैं नहीं ऐड करती हूँ। और तो बस यहाँ पे मैं इसको बनने के लिए रख दूंगी और बीच बीच में इसको चलाते हुए चेक कर लूंगी।
कैसा लगा आपको आज का मेरा छोटू सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बस ये है कि आपको डेली के अपडेट्स थोड़े थोड़े से मिलते रहेंगे, तो इसलिए मैं छोटे से व्लॉग जितने भी मुझसे पॉसिबल हो रहा है उतने मैं शूट कर। तो आपसे बातें करते करते हमारी सब्जी भी बन चुकी है, तो कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, नई होप नई आशा नई मगर नई जर्नी के साथ। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।